गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अभी हमने वायरस से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा है और वायरस जो जैविक और अजैविक दोनों के बीच की योजक कड़ी कही जाती है और वर्तमान परिदृश्य से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सिलेबस से रिलेटेड भी है और कंपटीशन से रिलेटेड भी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वायरस से संबंधित जो क्वेश्चन है, वायरस से संबंधित रोगों के बारे में पूछे जा सकते हैं। जो रोग होते हैं उनको उत्पन्न करने वाले जो रोगाणु हैं वो बहुत सारे वैरायटी के होते हैं। विषाणु भी रोग उत्पन्न करते हैं, जीवाणु भी रोग उत्पन्न करते हैं, कवक भी करते हैं, प्रोटोजोन्स भी करते हैं, हेलमिंथीज भी करते हैं। तो इस तरह से एक बड़ी वैरायटी हो गई रोगाणुओं की। और इनका जो ग्रुप है, जिसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो उस कंडीशन में हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि विषाणुओं से होने वाले रोग कौन से हैं और जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन से हैं। तो वो जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो आज सोल्व होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ और उस ट्रिक से आप विषाणुओं से होने वाले रोगों को और जीवाणुओं से होने वाले रोगों को कम से कम आप अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। ट्रिक क्या है, आपको सिर्फ ये लाइन याद करनी है। ट्रिक यानी कि रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ये ट्रिक है। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, याद रहेगा, वेरी गुड। अब आप सोच रहे हो इससे विषाणुओं से क्या संबंध है। पहली बात तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, विषाणु जनित रोग, यानी कि विषाणुओं से होने वाले जो रोग है उसको पढ़ने के लिए हमने यहां पर एक ट्रिक लिखी है, ठीक है। अब ये विषाणुओं से होने वाले जो रोग है उनको विषाणु जनित रोग कहते हैं। कौन कौन से हैं इस लाइन में आ चुके हैं, ज्यादातर मोस्ट ऑफ जो रोग है वो इस लाइन में आ चुके हैं। कैसे, सबसे पहले जो आर है, आर से जो रोग बनता है पहला, वो है रेबीज। तो विषाणुओं से होने वाला पहला रोग कौन सा हो गया, रेबीज। दूसरा जो रोग है विषाणुओं से होने वाला वो यहां आ चुका है, खसरा। दूसरा रोग कौन सा है, खसरा। तीसरा विषाणुओं से होने वाला जो रोग है वो ऐसे होता है, हर्पीज। हर्पीज चौथा एक रोग है जो जीवाणुओं से भी होता है वैसे तो, लेकिन ये उससे विषाणुओं से भी होता है। एक क्वेश्चन में इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं जो दोनों डाउट हो। तो इस रोग का नाम है मेनिनजाइटिस। तो रोग का नाम क्या हो गया, मेनिनजाइटिस। जो रोग है वो भी विषाणु से हो रहा है, ही से हो गया हेपेटाइटिस। ये भी किससे हो रहा है, विषाणुओं से। टे से हो गया ट्रकोमा, ये भी किससे हो गया, विषाणु से। तो विषाणु से होने वाले रोग पहला कौन सा है, रेबीज। दूसरा ख से खसरा, यानी रेखा से हो गया रेबीज और खसरा। हमें में है से हर्पीज, में से मेनिनजाइटिस, हिट में ही से हेपेटाइटिस और टे से ट्रकोमा। तो ये विषाणु से होने वाले रोग हो गए कुछ। आगे देखते हैं, ये जो बीच का वर्ड है इसका कोई अर्थ नहीं है, ये सिर्फ एक सेंटेंस बनाने के लिए लिखा गया है, तो इसको बाद में अपन छोड़ देंगे, ठीक है। पहले अपन पहला स्टेप क्या है, हमको ट्रिक याद करनी है। बाद में हमको पता है कि इससे कोई रोग नहीं बन रहा है विषाणु जनित, तो हमको इसको छोड़ देना है। ये यहाँ पर वर्ड है पीछे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, इसको पीछे की जगह कर देते हैं पोइचे।
पीछे को क्या बोल रहे हैं, पोएचे, ठीक है। तो पोएचे का मतलब हो गया पीछे। तो यहां पर ये जो पो है इससे रोग बना, पोलियो, ठीक है। ए से जो रोग बना एड्स, चे से जो रोग बना चेचक, छह से छोटी माता, डे से डेंगू, गै से गलसुआ, और ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो यहां पर अपन देख रहे हैं पीछे को हमने क्या किया, पोएचे, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छह से छोटी माता, टे से डेंगू, गे से गलसुआ, और ई से इन्फ्लुएंजा। तो बच्चों ये विषाणुओं से होने वाले जो रोग हैं वो हमने लिख लिए हैं। अब आगे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि विषाणुओं से होने वाले रोग कौन से होते हैं। वे रोग जो विषाणुओं से या वायरस से होते हैं उनको विषाणु जनित रोग कहते हैं। और उसके लिए हमने यहाँ पर ये ट्रिक दी है, ट्रिक दोबारा देखेंगे, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ठीक है। तो इससे होने वाले जो रोग हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6, 12 मैक्सिमम 12 रोग हमने यहाँ पर लिख लिए हैं जो मोस्ट कॉमन रोग हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। लेकिन ये जो ट्रिक थी ये पहले बनाई गई थी, पहले से मेरा मतलब है कि जब कोरोना नहीं आया था, तो अभी आपकी क्लास लेते लेते ही हम इस जो करके जो जिसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसका भी हम नाम बना देते हैं क्या, कोरोना। तो ये अभी अभी हमारे माइंड में आया और हमने इसको डिलीवर कर दिया। तो करके जो है उसका भी अर्थ हो रहा है कोरोना। कोरोना भी किससे हो रहा है, वायरस से, कोविड 19 जो है, कोरोना जो है वो भी वायरस जनित रोग है। तो इस तरह से हमने विषाणुओं से होने वाले सारे रोग जो है मैक्सिमम वो यहाँ पर लिख लिए हैं। और उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और ये इसके साथ ही आप विषाणुओं से होने वाले सारे रोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसी तरह की महत्वपूर्ण ट्रिक और महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर अपन लगातार आपको ये जो वीडियो में बताते रहेंगे। आपको बस क्या करना है, आपको इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद करना है, नोटबुक में लिखना है और अभी घरों में ही सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, क्योंकि बाहर अभी कोरोना तीव्र गति से फैल रहा है। तो बी सेफ, स्टे होम।